हेलो गाइस, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब सैरभ ही धेवन की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेती है तो उसका सुनकर उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है और वो खामोशी से कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। बाद में भी जब सैरभ ही उससे बात करने लगती है तो वो सिर्फ इतना ही कहता है कि उसकी फ़ोटो फेंक दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं उसको याद करने की। एक्चुअली उसकी यादें उसे बहुत हर्ट करती थी। दूसरी तरफ हमें ऑफिसर विनय को दिखाते हैं। वो अब वही जेट स्कीइंग वाली जगह पर जाता है क्योंकि उसे पता चला था कि उस टाइम पर थेवन यहाँ पर था अपने भांजे के साथ, जब उसकी सिस्टर के साथ वो हादसा हुआ था। रात का टाइम था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो किसी को आवाज़ें देने लगता है, उसी वक्त पीछे से सायंग आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सायंग और विनय दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही विनय उसे हक करने लगता है, सायंग उसे एक थप्पड़ दे मारती है, उसे बहुत लड़ती है, डांटती है, कहती है कि जैसे ही तुम्हारी पुलिस एकेडमी में एडमिशन हुआ तुमने मुझे भुला दिया, कोई कॉन्टेक्ट बैक ही नहीं किया, भूल गए कि हम बचपन के दोस्त थे। दूसरा कॉप भी ये सीन देखकर काफ़ी हैरान होता है, लेकिन उसे इतना अंदाज़ा हो गया था कि ये दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स रहे होंगे। वेल, अगर इनका कपल बन जाए तो ये भी दोनों बहुत अच्छे लगेंगे इकट्ठे। उसके बाद वो शांत होकर उसी केस पर बैठकर बातें करने लगते हैं। उसे पता चल जाता है कि वाकई थेवन उस दिन यहाँ पर आया हुआ था, सायंग भी बताती है। और यहाँ पर बातों बातों में सायंग उसे ये भी कहती है कि अब थेवन की बॉडीगार्ड मेरी बेस्ट फ्रेंड है सारा पी। वो समझ जाता है कि ये भी सारा पी को जानती है। अब दूसरा कॉप तो बताने ही वाला होता है कि मेरे बॉस सैरभ ही में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन फिर विनय के डर से वो बात को बदल देता है और कहता है कि ग्रैंड माँ का बहुत ख्याल रखते हैं। अब सायंग के ही थ्रू विनय को पता चल गया था कि ग्रैंड माँ का तो ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद हमें पता चलता है कि थेवन को ज़्यादा मुलाजिम रखना पसंद नहीं है, उसके घर में सिर्फ दो ही सर्वेंट्स हैं, वरना वो अपनी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने के लिए मेन घर में ज़्यादा लोगों को एंटर होने नहीं देता। अब सारा भी उसे उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देने लगती है कि यहाँ पे सर्वेलेंस कैमरास भी बहुत कम है और तुम्हारे साथ सर्वेंट्स भी कम है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि दोनों को ज़्यादा करो। लेकिन थेवन कहता है कि मैं अपनी प्राइवेसी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब नानी तो सर्जरी करा के घर आ गई थी, सारा पी ने अब 24 आवर्स इसी के साथ रहना था। थेवन की बॉडीगार्ड बनकर सिर्फ वीकेंड्स पर छुट्टी मिलेगी। अब सारा पी को ऐसा लगता था कि वो सर्वेंट्स वाली एनेक्सी में रहेगी, लेकिन थेवन कहता है इतनी दूर क्यों रखूँ, तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, तुम्हें मुझसे करीब से करीब रहना होगा, क्योंकि अगर सोते हुए रात को किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो जिम्मेदार कौन होगा। अब सारा पी को लगने लगता है कि ये जॉब तो वाकई बहुत हार्ड थी, मैंने क्यों चूज़ की। उसके बाद थेवन सारा पी को अपने घर का विजिट कराता है। वहाँ पर बहुत सारी कॉर्क ट्रीज थी और वो सारा पी को बहुत पसंद थी। थेवन देखता है कि उसकी और सारा पी की पसंद बहुत मिलती जुलती है, लेकिन सामने से टफ ही रहता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट था। स्विमिंग पूल, उसका इतना बड़ा घर, बैकयार्ड, गार्डन, ये सब देखकर सारा पी हैरान रह जाती है। उसने इतना बड़ा घर पहले कभी भी नहीं देखा था। वहाँ पर प्लांट्स की एक नर्सरी भी थी, ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। सारा पी को प्लांट्स का बहुत शौक था और एक्चुअली ये सब कुछ थेवन ने ही बनाया था, उसे भी प्लांट्स से इश्क था। सारा पी उसके पौधों का ख्याल रखने लगती है, उनको फर्टिलाइजर्स भी डाल रही थी और ये देखते ही थेवन को ख्याल आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वो तो मिट्टी से बहुत दूर रहती थी, उसे डस्ट से चिढ़ थी और थेवन की पसंद से भी, इसीलिए उनके मिजाज कभी भी नहीं मिले थे। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि निरिन कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए थेवन के घर पर आती है और फिर उसे पता चल जाता है कि सारा पी इसकी बॉडीगार्ड है। वो फौरन से फ़ोन करके यॉर्च को यही इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देती है। जॉर्ज भी जान जाता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरे हुंडों को भी फेंटा लगाया था। अब सबसे एंड पर थेवन सारा पी को दिखाता है उसका रूम, जो कि ऊपर वाली मंजिल पर था और नीचे वाली मंजिल पर था थेवन का और आइक का रूम। वो कहता है कि जब भी कोई इमरजेंसी हो मैं तुम्हें बुलाऊं, तुम्हें 15 सेकंड्स के अंदर अंदर मेरे कमरे में आना है। अब सारा पी सोचती है कि 15 सेकंड में मैं कैसे पहुंचूंगी, इससे बेहतर तो मैं इसी के कमरे में सो जाऊं। थेवन तो खुश हो जाता है, कहता है उठाओ सामान और आओ मेरे साथ शिफ्ट हो। लेकिन फिर सारा पी झूठ बोलने लगती है, कहती है कि मैं बहुत बड़े बड़े खराटे लेती हूँ, तुम्हें नींद नहीं आएगी। थेवन कहता है तुम में कोई भी लड़कियों वाली चीज है, भूख लगती है, तुम्हारा पेट गुड़गुड़ करता है, रात को तुम खराटे लेती हो, स्किन की तुम्हें कोई केयर नहीं, तुम क्या चीज़ हो। और इसके साथ ही सारा पी देखती है कि उसके कमरे में कॉर्क ट्री फ्लावर्स का एक गुलदस्ता पड़ा हुआ है। एक्चुअली ये उसके लिए सेट किया था थेवन ने, थेवन बहुत केयर करता था उसकी। वो ये देखकर खुश होती है और थेवन उसे देखकर खुश हो जाता है। उधर नानी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी,
उनको चक्कर आता है एंड टाइम पर विनॉय उनके घर उन्हें पूछने के लिए आया हुआ था उन्हें संभाल लेता है और फिर वो उनसे बैठकर कुछ देर बातें करता है। नानी बहुत तारीफ करती है थेवन की, कहती है कि बड़ा नाइस बॉस है, वरना इतने अच्छे लड़के आजकल के दौर में कहाँ होते हैं। इतने में सारा भी की वीडियो कॉल भी आ जाती है। नानी बात करने के बाद उसकी विनॉय से भी बात कराती हैं। विनॉय सारफी से पूछता है कि तुम्हारी नई जॉब कैसी जा रही है। सारफी कहती है आज से ही फुल टाइम स्टार्ट हुई हूँ और सोना भी यहीं पे है, नई जगह पर पता नहीं कैसे नींद आएगी। अब विनॉय तो एकदम हैरान हो जाता है, कहता है कि कितने सर्वेंट्स हैं वहाँ पर और कौन कौन है। वो बताती है कि बाकी सर्वेंट्स एनएक्सी में चले जाते हैं, सिर्फ मैं एक बॉडीगार्ड ही हूँ जो मामू और भांजे के साथ हूँ। विनॉय बहुत पोजेसिव होता है कि ये रात को उनके साथ सोएगी, वो भी अकेली। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सारा भी की एक्ट के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है। रात को सारे सर्वेंट्स चले जाते हैं तो वो उसके साथ बहुत सारा खेलती है। वहाँ पर एक आवर ग्लास गलती से सारफी से गिरने वाला था, लेकिन थोड़ी बचत हो जाती है। लेकिन वो आवर ग्लास थेवन का बहुत मूड ख़राब कर जाता है, क्योंकि ये आवर ग्लास उसको उसकी एक्स ने गिफ्ट में दिया था। उसे दोबारा से उसकी यादें आने लगती हैं, वो उसके साथ बहुत सिंसेयर था लेकिन वो उसे छोड़ के चली गई। अब नेक्स्ट डे लंच के टाइम पर हमें दिखाते हैं कि थेवन सारफी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, उसका लंच भी अपने साथ ही पैक कराता था, उसे सामने बैठकर खिलाता है और उसे मजबूर करता है कि वो बाकी चीज़ों के साथ साथ वेजिटेबल्स भी खाया करे, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आज ऑफिस में थेवन के लिए एक नई मुसीबत आ जाती है। चॉर्म ने बोर्ड के सारे मेंबर्स की मीटिंग अरेंज कराई हुई थी और उसमें वो थेवन को फंसाने की कोशिश करती है कि इसने कंपनी के फंड्स के साथ दो नंबरी की है, लेकिन थेवन वहाँ पर अच्छे से खुद को डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है और बाकी बोर्ड के मेंबर्स से एक महीने का टाइम मांग लेता है कि वो डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कराएगा। अब चॉर्म का मूड तो बहुत ख़राब हो जाता है, वो सोचती है कि ये तो वाकई मेरी चाल उल्टी पड़ गई है, ये तो था ही इनोसेंट, इनोसेंट ही क्लियर होगा। उसे काफ़ी गुस्सा आता है और आर्ग्यू करते हुए वो थेवन पर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन थेवन की लवली बॉडीगार्ड यहाँ पर एंट्री करती है और जो चॉर्म का और उसके साथी का फेंटा लगाती है वो सीन देखने वाला होता है। और चॉर्म वो सिर्फ सारफी को गालियाँ देने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। सारफी कहती है ये मेरी ड्यूटी है, अगर मेरे बॉस को टच किया तो मैं हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। उसके बाद सारफी थेवन से उसके बारे में कुछ बातें पूछती है, कहती है कि आपका दुश्मन कोई आम इंसान नहीं है, उसने दो दो मर्डर्स कराए हैं, प्लीज़ मुझे सारी डिटेल बताओ। अब थेवन पहली दफ़ा उसे दोनों कत्लों की सारी डिटेल बताता है। सारफी कहती है कि उस टाइम पर उनके साथ कौन था जब आपकी जीजा की डेथ हुई है। वो कहता है कि शायद सेक्रेटरी थी और एक दो और भी कोलीग्स थे। वो कहती है कि उनके कमरे की तलाशी लेते हैं, वहाँ पर जाती है, हर चीज़ को देखती हैं। उसे लगा था कि कुछ तो मिसिंग है। यहाँ पर उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी डेथ के टाइम पर उनका लैपटॉप भी तो यहीं पर था। अब वो लोग जल्दी से जल्दी उनका लैपटॉप ढूंढना चाहते थे। निरिन बताती है कि लैपटॉप तो घर पर भिजवा दिया गया है। थेवन जाता है अपने जीजा के होम ऑफिस में और वहाँ पर उनका लैपटॉप खोलता है। लेकिन उस पर तो पासवर्ड लगा हुआ था। वो सोचता है कि टाइम निकाल कर किसी टेक्नीशियन से खुलवाऊंगा। जबकि चॉर्म ने एक ईवल चाल चली थी, उसने एक जहरीला पौधा थेवन के घर पर इंस्टॉल करा दिया था जगह जगह, ताकि आइक को उससे नुकसान पहुँचे। और आइक वाकई उस पौधे से टकराने ही वाला होता है कि सारफी उसे बचा लेती है। और सारफी जब बताती है कि ये पौधा कितना जहरीला है तो थेवन हाउसकीपर को बुलाकर उसकी बहुत क्लास लगाता है। वो बताती है कि ये पौधे तो हमारे घर पर चॉर्म ने भिजवाए हैं। वो ऑर्डर करता है कि आइंदा मेरी मर्जी के बगैर इस घर में पत्ता भी नहीं हिलेगा। अब इसके बाद थेवन बहुत परेशान हो गया था। वो आइक को भी ये सारा कुछ समझाता है, कहता है कि जो फूड मैं बनाऊंगा, मेरे हाथ का बना खाना खाओगे या फिर स्कूल का बना हुआ, तुमने और किसी से कुछ भी नहीं लेना। वो आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। सारा फिर भी उसको इस तरह से परेशान देखती है, स्ट्रेस की वजह से उसके आईब्रोज भी डिफॉर्म हुए हुए थे। वो ठीक करने लगती है कि यहाँ पर थेवन उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुम क्या करने वाली थी मेरे साथ। तो सारफी उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि अगर ऐसे ना मरे तो तुम स्ट्रेस के मारे मर जाओगे और इतनी नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो, बच्चे को भी डरा रहे हो। लेकिन थेवन कहता है कि मैं किसी पर कैसे ट्रस्ट करूं, मेरे जीजा को मार डाला, मेरी सिस्टर को मार डाला, मेरी जान के पीछे हैं, आइक की जान के पीछे हैं, कोई ट्रस्ट के काबिल नहीं है।
अब सारा भी उसे इतने लंबे लंबे भाषण दे रही थी कि थेवन कहता है कि मैंने पहली बॉडीगार्ड देखी है जो इतनी बोलती है, वरना बॉडीगार्ड तो हमेशा कोने में खामोश होकर खड़े रहते हैं। सारा भी उसके क्लोज आकर कहती है कि तुम हद से ज्यादा जिद्दी हो, किसी ने बताया तुम्हें? और यहाँ पर थेवन उसे फिंगर फ्लिक करता है और कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझसे फासला रखो। उधर हमें दिखाते हैं कि नीरिन और जॉर्म के लिए एक परेशानी बनी हुई थी, क्योंकि नीरिन को पता चला था जीजा जी के लैपटॉप में एक ऐप था जो हर चीज को रिकॉर्ड करता था, और उसने उनके कैमरा के सामने ही सारा कुछ बोल दिया था कि मुझे जॉर्म ने आपको मारने के लिए भेजा है। जॉर्म बहुत गुस्सा करती है और उसको बहुत मारती है। जॉर्ज बड़ी मुश्किल से उसे बचाता है और उसके बाद अपना एक गुंडा भेजता है कि तुमने हर सूरत में वो लैपटॉप चोरी करके लाना है। अब वो गुंडा जाता है, वो बहुत खतरनाक था, वो किसी तरह से सारे खड़े हुए गार्ड्स को डॉज करता है और अंदर घुस जाता है। जबकि उसी टाइम पर सारा भी को थेवन देखता है कि वो इंस्टेंट नूडल्स खा रही है जो उसके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं थे, तो वो खुद ही उसका शेफ बन जाता है, उसके लिए कुकिंग करता है। सारा भी जैसे ही टेस्ट करने लगती है उसमें टमाटोज थे, वो खाने से इनकार कर देती है। अब थेवन बहुत ही स्वीट स्टाइल में अपने हाथों से उसे खिलाता है। सारा भी टेस्ट करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर उन दोनों को रियलाइज ही नहीं था कि उनके घर में एक चोर घुसा हुआ है, और थेवन उसी समय पर सारफी का फेस भी क्लीन करता है, कहता है कि तुम तो बिल्कुल आग की तरह से खाती हो, तुम्हारा भी फेस साफ करना पड़ता है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।